हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, अभी रेलवे का जो असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी का एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है, तो दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन किस तरह के में रिजेक्ट होता है, और आपकी ये जो रेलवे में साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, कुछ भूल आपके जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। और अब अगर आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है तो आप दूसरे एप्लीकेशन भी डाल नहीं पाओगी। तो यहाँ पे सख्त मना है कि आप एक रेलवे का जो भी वैकेंसी रखा गया है वहाँ पे आपकी दो एप्लीकेशन डाल नहीं पाओगी, एक ही एप्लीकेशन ही डालोगी और सही तरह से डालोगी। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, आपकी कौन सा स्टेप आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है और आपकी कौन सा चीज़ में ध्यान देना चाहिए तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं होने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप अगर इस ये वीडियो में आपको अगर प्रॉब्लम निकल रहा है, आपकी कोई भी इशू हो रहा है, तो आप उस वीडियो आपकी जो एप्लीकेशन वो मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे करना है मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो होता है, अभी 28 तारीख से 28 फरवरी से पहले जो लोग एप्लीकेशन डाले हैं उन लोगों का एप्लीकेशन दोस्तों मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उन लोगों अगर अभी तक एप्लीकेशन मॉडिफाई नहीं किया तो वो वीडियो देख के आप मॉडिफाई कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको जो पहला जो इशू है वो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा गया है इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन। कुछ ऑप्शंस है जो आपको मैं दिखा दूंगा और आपकी समझा दूंगा कौन सा कर्ज के लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा कॉज आ रहा है जो जो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट 80% से हो सकता है, 80% कॉज इसके लिए हो सकता है, तो आपकी जो फोटो है दोस्तों, मैं आपको फोटो को लेके चलता हूँ। फोटो के लिए एक स्पेशियली लिखा गया है आपकी जो फोटो का साइज किस तरीका में अपलोड करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों फोटो के लिए स्पेशल लिखा हुआ है। तो आपकी फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। पासपोर्ट साइज में उसका डायमेंशन लिखा गया है 35 mm x 45 mm, मतलब 3.5 x 4.5, वो भी JPG फॉर्मेट और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके साथ आपकी 100 DPI में होना चाहिए दोस्तों। जो फोटो का जो साइज है वो आपकी जो मेमोरी साइज है 20 से 50 KB के अंदर, किलो वाइट के अंदर होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, फोटो जो लेते हो, कैप्चर फोटो करते हो, वो डेट लिखा गया है 1 दिसंबर 2017 के बाद वो फोटो होना चाहिए दोस्तों। उससे पहले अगर आपकी फोटो है और आपकी जो फेस और फोटो के साथ मिल नहीं रहा है तो आपकी फोटो कैंसल हो जाएगा और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो शुड बी क्लियर फ्रंट व्यू एंड कैंडिडेट विदाउट कैप एंड सनग्लास। दोस्तों, आप अगर ग्लास पहनते हो, आँख के ग्लास, तो आप पावर ग्लास पहन रहे हो तो चलेगा दोस्तों, उसमें कोई इशू नहीं। ओनली सनग्लास पहन रहे हो तो उसको निकाल के रखिए, और कैप पहन रहे हो तो उसको निकाल के फोटो खींचिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपकी जो फोटो में 50% से ज़्यादा वो आना चाहिए, क्या आपकी फेस जो फोटो से 50% से ज़्यादा वो फेस रहना चाहिए। द मेन फीचर्स ऑफ फेस शुड बी कवर्ड बाई हेयर ऑफ द हेड बाई क्लॉथ एनी, मतलब ये बोल रहा है आपकी जो मुंह का हेयर या फेस में कोई भी क्लॉथ डालना नहीं चाहिए, जैसे कि आपकी अपरन डाल के फोटो खींच रहे हो, वो भी आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है फॉरहेड, आई, नोज एंड सारे आपकी जो फेस का पार्ट वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए दोस्तों। आप अगर सेल्फी लेके फोटो खींच रहे हो या आपकी मोबाइल में फोटो खींच रहे हो तो दोस्तों वो फोटो आपकी पहले कैंसिल करवा देंगे और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और एक बात बोल देता हूँ, फोटो के नीचे नेम और डेट ऑफ फोटो कैप्चर प्रिंटेड होना चाहिए, वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ होगा तो चलेगा, नहीं तो फोटो के नीचे आपकी कुछ भी लेटर में आपकी एक नीचे, जैसे कि मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट रहा, ये जो फोटो है
ये जितना भी ये फोटो है इस तरीका में आपको फोटो होना चाहिए। यहाँ पे नीचे एक व्हाइट बैकग्राउंड है, उसके अंदर आपकी नेम और जिस डेट में आप फोटो कैप्चर कर रहे हो उस डेट में होना चाहिए। दोस्तों ये जो फोटो है, ये सब जितना भी फोटो है वो सब रिजेक्टेड फोटो है दोस्तों, इसको आप यूज मत कीजिए। अगर आप कैप लगा रहे हो ऐसे और ब्लॉर हो गया है, आपकी फेस जो ब्लॉर हो गया है वो फोटो आपको रिजेक्ट करा देंगे और एप्लीकेशन को सीधा कैंसिल करवा देंगे। और बाद में मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डाल लो तो भी ये एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान से ये एप्लीकेशन डालिए। गाइज ये था फोटो के लिए। उसके बाद आपको रिजेक्शन, ये जो 1.5 और 1.6 में बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, एक ऑप्शन होगा पीडीएफ में जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है दोस्तों, आप अगर एक से ज़्यादा आरआरबी में, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से अप्लाई कर रहे हो सकता है ग्रुप डी अप्लाई एक कर रहे हो और एलपी एक करो, मतलब नहीं कि एलपी डालो तो नहीं ग्रुप डी नहीं डालना है, ऐसा नहीं है। एक ग्रुप डी में, एक एलपी में, उससे ज़्यादा अगर आप अप्लाई कर रहे हो कोई भी बोर्ड में तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप ऐसे भी लिखा गया है तो यहाँ पे गाइज मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी डिवॉर्ड एनी आरआरबी और आरआरसी आइदर फॉर लाइफ टाइम और स्पेशल पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टर्मिनेट करा जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, आपकी लाइफ टाइम के लिए और कुछ स्पेशल पीरियड के लिए आपकी जो एप्लीकेशन कभी भी असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी या स्टेशन मास्टर कोई भी रेलवे का रिक्रूटमेंट निकल रहा है तो आप उसको डाल नहीं पाओगी। तो इसको आप ध्यान से रखिए और एक ही एप्लीकेशन डालिए और ध्यान से। मैं भी एप्लीकेशन कैसे डालना है वो मैंने बता चुका हूँ, मेरा वीडियो सेक्शन को जाके वो देख लीजिए कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है। तो मैं प्रॉपर वे में डालिए और ध्यान से डालिए, एक से ज़्यादा अगर डाल रहे हो तो आपकी कभी भी आप आरआरबी में एप्लीकेशन डाल नहीं पाओगी कोई भी पोस्ट के लिए। ये था एक पॉइंट। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों, इसके बीच में मैं बता देता हूँ आपको, अगर आरआरबी का जो रिजेक्ट हो रहा है एप्लीकेशन तो उसके लिए कॉज भी दिखा देगा वेबसाइट में। आपकी जो आरआरबी का होम पेज है वहाँ पे आपको दिखाई देगा किसके लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, आपकी एसएमएस के जरिए में और मेल के लिए, वो भी आपको बता देंगे कि इस कॉज के लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। जब कॉल लेटर आ जाएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और एक कॉज लिखा गया है यहाँ पे आपकी, जो देख सकते हो, आप अगर कोई पॉलिटिशियन से आप रेफरेंस लेके जा रहे हो एग्जाम सेंटर को, आप एग्जाम देने के लिए बोल रहे हो कि मैं उसका बेटा हूँ उसका बेटा हूँ, तो ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वही प्रोसेस से जहाँ से रिटर्न देने के लिए जा रहे हो वहीं से आपको भगा दिया जाएगा। दोस्तों आप अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए, आप सबको पता होगा जो एप्लीकेशन फ़ी वो छूट है, मतलब उन लोगों ने नहीं देंगे, तो एप्लीकेशन फ़ी अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हो तो माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट जो आपकी एफिडेविट है वो आपको शो करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो 250 रुपया आपको डिस्काउंट मिला था वो आपको पे करना पड़ेगा और वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए स्पेशली। और दोस्तों जो भी SC ST कैंडिडेट हो उन लोगों को मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको SC ST कैंडिडेट के लिए आपकी अगर सर्टिफिकेट जो है इस डेट में नहीं है, आपको सर्टिफिकेट जो SC ST का सर्टिफिकेट है तो करंट नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आप अगर SC ST के लिए जो ट्रैवल अलाउंस फ्री रहेगा, जो रेलवे का फ्री रहेगा आपकी SC ST के लिए, उनका स्लीपर क्लास में आपको फ्री में मिल जाएगा, तो आपकी जो सर्टिफिकेट है तो अभी का करंट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। तो आप अगर करंट सर्टिफिकेट नहीं निकाला है तो आप जल्दी से निकाल दीजिए, और जो दोस्तों अपलोडिंग कर रहे हो सर्टिफिकेट, आपको वो सर्टिफिकेट करंट होना चाहिए, मतलब अभी अभी का होना चाहिए। अगर आपकी पुराना सर्टिफिकेट है तो आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए और नया सर्टिफिकेट आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप अगर
गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपकी पहले से पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिटी या प्राइवेट में कोई पे भी जॉब करते थे, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ तो एग्जाम भी दे सकते हो। उसके बाद जो स्टेप है, आप अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है, आपकी जो एप्लीकेशन डालने से पहले जहाँ से वर्क कर रहे हो, जॉब जॉब कर रहे हो, वहाँ से एक अंडरटेकिंग लिखा होना चाहिए कि मैं ये रेलवे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपकी जो एचओएस है, हेड ऑफ सेक्शन, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे के वहाँ से एक एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निकालिए। उसके बाद यहाँ पे रेलवे में अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हो, नहीं तो आपकी आगे जाके जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टाइम में नो एनओसी नहीं है तो आपको वहाँ पे कैंसिल करवा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ स्टेप जो अब मैंने बताया, तो आप इसको ध्यान से देखिए और इस चीज़ को आपको ध्यान रख के एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। अगर आप लोग दोस्तों SC ST OBC कैंडिडेट हो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी करंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप उसको निकालिए करंट सर्टिफिकेट। और जो अगर सेंट्रल का नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा आपकी स्टेट सर्टिफिकेट को कैसे सेंट्रल सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कर सकते हो, और आपकी जो रेलवे का जो फॉर्मेट दिया हो वो फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में दोस्तों, आप लोग अगर SC ST कैंडिडेट जो सर्टिफिकेट शो करोगी वहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में दोस्तों, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने ही सफ़र किया हूँ, ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में मेरा भी इशू हुआ था दोस्तों, मैं भी इस चीज़ में फंस गया था। तो करंट सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल लेवल में होना चाहिए, मतलब जो रेलवे का फॉर्मेट दिया है एडवर्टाइजमेंट में, नीचे जाइए तो वहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट वाइज आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।